हमारी औरतें घरों से निकलती नहीं थी, आज अपने बाल बच्चे लेकर निकली है। ये फिक्र नहीं कि घर में अपने शोहर को खाना मिले ना मिले, शोहर को फिक्र नहीं खाना मिले ना मिले, सारे लोग निकल पड़े हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पहलू होता है, कौन जानता था पहले संविधान क्या है? किसी ने पढ़ा? किसी ने पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा? कहाँ बढ़ाती है हमारे दीदी, कहाँ बढ़ाती है? कौन सी चीज सुनती? हम मर जाएंगे लेकिन आने वाले वक्त में ये सुनते जन करेंगे। इससे गोरे अंग्रेजों को भगाने की ताकत इन माओ में है तो काले अंग्रेजों का कहाँ ठिकाना लगेगा? ये सोचना पड़ेगा। हमारी माओ बहनों को बहुत लुभा था, तो बाहर रहे थे। फिर इसमें कौन आएगा? अपनी स्कूल का टीचर, अपनी बालवाड़ी की बच्ची, आपा मालूम दे दो कागज को दे दे। उसको बोलना बहन भाई चाय की और राजेंद्र मालूम है। मैंने झोपड़ पट्टी की हमारी बहनों को समझाने के लिए कहा, घर में कोई नहीं है, बच्चे नहीं है, बहू नहीं है, तो दरवाजा खुला छोड़ के खुले होंगे जेल में जाएंगे नहीं। जोर से बोलो, वो ताई को सुना नहीं बोलना, नहीं बोल रहे ताई है। 1,000 रुपए जुर्माना कर, अरे नहीं बनेंगे लेकिन मालूम आते थे मोदी जी हाथ मिला रहे उससे क्या बांग्लादेश भेजने को जगह नहीं, खाने को कुछ नहीं। अरे ये देश भूखा रहना जानता है, हमारा गरीब इंसान जो देश को प्यार की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। संविधान के खिलाफ है ये, हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है ये, सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। जो लोग अपप्रचार कर रहे हैं, जो लोग गुमराह कर रहे हैं, जो लोग कहो कि हम अभी NRC नहीं लाने जा रहे हैं, आप ये कहते हो कि हम NPR लागू करने जा रहे हैं 1 अप्रैल से, तो ये NPR क्या है? ये जो डाटा कलेक्शन होगा उसको ही बाद में वो NRC से जोड़कर उसका सेग्रीगेशन करेंगे और वो फिर हमारे। और ये सिर्फ हम लोग नहीं कर रहे हैं, देश के जो IPS IAS और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सारी लेडीज को आज